हेलो एवरीवन सर, द आज का टॉपिक है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड स्टेप्स इन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की होंगे कि जदों भी असी सिस्टम दी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, जदों भी असी कोई नवा सिस्टम डेवलप करते हैं, तो सब तो पहला स्टेप जो होंगे साडा वो होंगे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये की होंगे आ कि जो साढ़े को एग्जिस्टिंग सिस्टम है उन्हों एनालाइज किया जाता है, तो उस दे अकॉर्डिंग ही नवे सिस्टम नूं बनाउण वास्ते जो रिक्वायरमेंट्स ने वो दित्तियां जांदियां आ। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है ता कि सिस्टम है जो उहदे बारे सानूं ज़्यादा तो ज़्यादा पता लग सके। इत्थे ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम की है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई असी सिस्टम डेवलप करन जा रहे हैं। सानू जो प्रॉब्लम है वो दा सब तो पहला क्लीयरली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम की है, कि असी केड़ी प्रॉब्लम है जिनू सॉल्व करन जा रहे हैं, जिदे वास्ते असी सिस्टम डेवलप करन जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई केड़े केड़े पॉसिबल सल्यूशन हो सकते हैं, एंड जो भी सल्यूशन असी सिलेक्ट करते हैं उन सारे सल्यूशन विचों उस उपर किन्नी कॉस्ट लगेगी, इस सब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जो भी असी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ये इस एनालिसिस दे बेस पे एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, जिस रिपोर्ट विच प्रॉब्लम नू क्लीयरली एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रॉब्लम की है, उस प्रॉब्लम नू असी सॉल्व किवें करांगे, ते उस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई कॉस्ट किन्नी लगेगी। स्टेप्स ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे, फर्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकंड डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड कंस्ट्रेंट्स, नेक्स्ट है परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, एनालाइज प्रोजेक्ट यूजेबिलिटी कॉमा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, नेक्स्ट है इवेलुएट फिजिबिलिटी, एंड लास्ट इज प्रेजेंट रिजल्ट्स एंड रेकमेंडेशंस टू द मैनेजमेंट। सब तो पहला असी पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप जो कि है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दे विच की है कि सब तो पहला असी प्रॉब्लम की है उन्हूं अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम नू समझते हैं। जो साडा करंट सिस्टम है उन्हूं असी चंगी तरह समझते हैं, ये देखते हैं कि सानू नवा सिस्टम बनाउण दी नीड क्यों पई, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो साडे कोल करंट सिस्टम अवेलेबल है उहदे च की कमी है जिहदे करके सानू नवा सिस्टम बनाउण दी लोड़ पई। इत्थे इस स्टेप च प्रॉब्लम नू समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम की है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बिकॉज जे प्रॉब्लम नू चंगी तरह ना समझिया तो जो सिस्टम बनावांगे असी, जो साडा सिस्टम बनेगा डेवलप होएगा, वो सिस्टम प्रॉब्लम नू चंगी तरह सॉल्व नहीं कर सकेगा। बिकॉज प्रॉब्लम नू असी चंगी तरह पहला समझिए ही नहीं सिस्टम बनाने तो पहला, सो इस करके सानू सिस्टम दी डेवलपमेंट स्टार्ट करन तो पहला बनाने तो पहला सानू प्रॉब्लम नू चंगी तरह समझना पैंदा है कि प्रॉब्लम की है जिदे करके असी सिस्टम बनाने जा रहे हाँ। इत्थे ये भी देखा जाता है कि करंट सिस्टम जो साडे कोल है जे असी उहदे च मॉडिफिकेशन करते हैं ता उहदे च मॉडिफिकेशन करन नाल साडी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड कंस्ट्रेंट्स। इस स्टेप ते की है सिस्टम दा स्कोप डिफाइन किया जाता है, मीन्स कि सिस्टम दी क्वालिटी की होएगी, जो साड़ा एंड प्रोडक्ट मिलेगा उदी क्वालिटी किवें दी होगी,
ये डिफाइन किया जाता है। जो साडा स्कोप है वह बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। इत्थे कंस्ट्रेंट्स भी स्पेसीफाई किए जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। कंस्ट्रेंट मीनस लिमिटेशन, मतलब कि असी किन्ना लिमिटेशंस के अंदर रह के सिस्टम नू डेवलप करना है। जिमें कि लिमिटेशंस किवें दियां हो सकदियां ने, टाइम रिसोर्सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों हो सकते हैं, टाइम एंड कॉस्ट, ये सब सिस्टम स्कोप च डिफाइन किया जाता है। जिमें असी कोई सिस्टम डेवलप करना है तो उहदे च सानू स्पेसीफाई किया जाता है कि तुहाडे कोल इन्ना टाइम है इस प्रोजेक्ट नू कंप्लीट करन वास्ते, ये रिसोर्सिस तुहाडे कोल अवेलेबल ने फॉर 2 or 3 months जां इस तो ज़्यादा जां घट भी हो सकते ने। ये सब कंस्ट्रेंट विच डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग। इहदे च की है, इनफॉर्मेशन है जो वह कलैक्ट की जाती है फॉर न्यू सिस्टम, फैक्ट्स ने जो वह कलैक्ट किए जाते हैं, जिहड़ी इनफॉर्मेशन है जो कलैक्ट की जाती है वह थ्रू सर्वे जां इंटरव्यू किसी भी तरीके से कलैक्ट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट होंगे ने जो, एंड जो आई टी स्टाफ होंगे आ वो एग्जिस्टिंग सिस्टम नू ऑब्जर्व करते हैं एंड उदे ऑब्जर्व करन तो बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। बेसिकली इस स्टेप दे उपर फैक्ट्स कलैक्ट किए जाते हैं। नवा सिस्टम बनाने तो पहला इनफॉर्मेशन कलैक्ट की जाती है, जिन्ना एंड यूजर्स ने यूज़ करना होंगे आ उन्हां दे नाल इंटरैक्ट करके उन्हां तो सर्वेज दे थ्रू या इंटरव्यूज दे थ्रू इनफॉर्मेशन कलैक्ट की जाती है। एनालाइज प्रोजेक्ट यूजेबिलिटी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ने जो वो देखे जाते हैं कि सिस्टम नू बनाने वास्ते असी किन्नी कॉस्ट लगा रहे हैं तो उहदे सानू बेनिफिट्स किन्ने मिलनगे। असी ऐसा एवें दा सिस्टम डेवलप करना है जिदे च असी जिन्नी कॉस्ट लगा रहे हैं उस सिस्टम नू बनाने ते सानू बेनिफिट्स ने जो वो उस तो ज़्यादा मिलन। ये भी देखा जाता है कि जो साडे एंड यूजर्स ने उहदे लई किन्ना यूजेबल है, जो असी सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो किन्ना यूजेबल है साडे एंड यूजर्स वास्ते, एंड बेनिफिट्स ते कॉस्ट ये एनालाइज की जाती है। इवैल्यूएट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी दे विच की देखा जाता है, ये चैक किया जाता है कि सिस्टम जो असी डेवलप करन जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लई किन्ना सूटेबल है भी जां नहीं। फिजिबिलिटी 3 तरह नाल चैक की जाती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड इकनोमिक फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी दे विच देखा जाता है कि जो सिस्टम है वो जो प्रॉब्लम आएगी उन्हें सॉल्व किवें करेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी दे विच ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी किवें दी टेक्नोलॉजी की जरूरत होएगी सिस्टम नू डेवलप करन वास्ते। जो साडे कोल करंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है असी उहदे नाल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इकनोमिक फिजिबिलिटी दे विच ये देखा जाता है कि जो असी सिस्टम बना रहे हैं, जो सानू उहदे वास्ते बजट असाइन किया गया है कि वो सिस्टम है जो उस बजट दे विदिन असी बना सकते हैं, ये इकनोमिक फिजिबिलिटी दे विच चैक किया जाता है। प्रेजेंट रिजल्ट्स एंड रेकमेंडेशंस टू द मैनेजमेंट। जो असी इन्वेस्टिगेशन की होंगी है इस स्टेप से असं की करते हैं कि जो भी असी हूँ तक इन्वेस्टिगेट किया, जो भी इन्वेस्टिगेशन की एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, वह एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है।
जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स की मिलेंगे ये मैनेजमेंट नू दसिया जाता है उस रिपोर्ट के थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है। जो सिस्टम एनालिस्ट है जे वो कुछ रेकमेंड करना चाहता है तो वो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैनेजमेंट नू रेकमेंड कर सकता है, रेकमेंडेशन दे सकता है अपनी। जो ये डॉक्यूमेंट है, जो इस असी डॉक्यूमेंटेशन इत्थे बनानी है उहदे च ये सब इनकलूडड हुंदा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन नू किन्ना टाइम लगेगा, कॉस्ट किन्नी लगेगी, ये सब इनकलूडड हुंदा है उस डॉक्यूमेंट दे विच जो असी एक डॉक्यूमेंट बना के मैनेजमेंट नू प्रेजेंट करदे हां। थैंक यू।